एरवावी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ हाँ, ये बात तो हम सब लोग समझते हैं, लेकिन ये कहानी के किच्चू और चोरू समझे तो ना। सुनिए कहानी, मेरी मछली। नहीं, मेरी मछली। लेखक सूरज मेनन, चित्र बनाए हैं सौम्या मेनन और हिंदी में अनुवाद किया है आभा धौंडियाल। एक सुबह किच्चू जल्दी उठा। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, चलकर थोड़ी मछलियां पकड़ी जाए। पोखर के रास्ते में उसे चोरू मिल गया। वे पक्के दोस्त थे जो सारा दिन एक साथ खेलते रहते। मुनिया ने उन्हें मछली पकड़ने की बंसी लेकर जाते हुए देखा। हम मछली पकड़ने पोखर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो साथ आ जाओ। छोटे मुनिया ने कुछ देर सोचा। ऐसा मत करो, बिना पानी के मछलियां मर जाएगी, उसने कहा। उन्होंने मुनिया की बात नहीं सुनी, वे सीधे पोखर की ओर चल पड़े। किच्चू और चोरू पोखर के किनारे बैठ गए। दो मछलियां सामने से तैरती हुई निकल गई, एक पतली और दूसरी गोल। फिर तीसरी मछली आई। आज तक उन्होंने इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। मुनिया ने हंसते हुए कहा, ये तो अप्पा के पैरों से भी बड़ी है। किच्चू और चोरू ने अपनी अपनी मछली पकड़ने की बंसी कसकर पकड़ी। किच्चू चिल्लाया, मेरी मछली। चोरू भी चिल्लाया, नहीं, मेरी मछली। किच्चू ने जोर से खींचा, चोरू ने और जोर से खींचा। फट, दोनों की बंसी टूट गई। दम, किच्चू जमीन पर गिर पड़ा। गुड़ुप, चोरू पानी में गिर गया। ये कैसे हुआ, आप क्या सोचते हैं? मछलियों ने दोनों की रस्सियां बांध दी थी। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियां? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।